बच्चों के परवरिश में माँ बाप की कौन सी 10 गलतियाँ होती है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। बच्चों की परवरिश करने के लिए कोई मैनुअल नहीं है। बच्चे पैदा होते हैं और माँ बाप उनको बड़ा करते रहते हैं और फिर गलतियाँ करते रहते हैं। उनको मालूम ही नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो यदि आप उसका पालन करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे और एकदम बहुत ही पावरफुल बच्चे, इंडिपेंडेंट बच्चे, स्मार्ट बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो आइए, नंबर 1, बच्चों को इंडिपेंडेंट बना मतलब बनाना चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को डिपेंडेंट बनाते हैं। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के बदले उनको पेरेंट्स के ऊपर, मतलब माँ बाप, माँ स्पेशली अपने ऊपर वो डिपेंडेंट बना दिए। हर काम बच्चे का वो करके देगी। उसका डिब्बा मतलब टिफिन तैयार करना है, उसको नहला के देना, स्नान करवा के देने का है, को कपड़े पहना के देने का है, सब वो काम कर लेगी। और बच्चों को वो जितना मतलब हो सके उतना पूरा बिल्कुल हाथ के ऊपर मतलब सब पूरा तैयार करके देंगी। होता क्या है कि बच्चा हर बात के लिए माँ बाप के ऊपर, स्पेशली माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और फिर वो खुद कुछ काम करता ही नहीं। माँ को भी रहता है कि देखो मेरे से ज़्यादा तो इसका कुछ होगा ही नहीं। ये इनको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, मतलब वो ऊपर से देखेंगे, हेलीकॉप्टर से बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको टोकते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे और उसको इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं करने देंगे। नंबर 2, बार बार उनको बोलेंगे तेरे को समझता नहीं, तेरे को ये आता नहीं, कितना बार बोलना पड़ेगा, उसको रॉन्ग करेंगे, उसकी मिस्टेक्स बताएंगे। उससे क्या होता है कि वो उसको गिल्टी महसूस, मतलब दोषी, अपराधीपन की भावना उसमें आती रहती है कि मैं अपराधी हूँ या मुझे कुछ जमता नहीं है। तो बार बार टोकना, कितने बार बोलना है ऐसा बोलना, और तू तेरे कुछ समझता नहीं है, तू गधा है क्या, तू आता नहीं है, ऐसा बोलते जाना, ये बहुत बड़ी गलती है। नंबर 3, बच्चों को आराम करने दो। कुछ समय बच्चे शांत आपके साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के पीछे लगना, अब इधर जाओ, ये ट्यूशन को जाओ, वो ट्यूशन को जाओ, अभी ये खेल चालू करो, अभी ये पढ़ो, ऐसा मतलब उनको आराम नहीं करने देना। और फिर लाइक बीइंग विथ देम सेल्स, उनके साथ में रहना, वो खुद के साथ में रह रहे और माँ बाप के साथ में रह रहे, ये करने देने का नहीं। इससे भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो उसको ऐसा लगता है कि बस कुछ तो भी पीछे लगा हुआ है और उसको भागना पड़ेगा। नंबर 4, बच्चों को ये बोलना कि यह तुम्हारी वजह से हुआ, ये प्रॉब्लम है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये समस्या है ये तुम्हारी वजह से हो रही है। तो फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा पेरेंट्स को टालते जाएगा क्योंकि उसको वो दोष बता रहे, कारण बता रहे, जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है ऐसा बता देंगे। तो फिर वो बच्चा टालेगा, पेरेंट्स से दूर रहेगा। और फिर जब पेरेंट्स से बच्चे दूर रहते हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल, मतलब नशीली पदार्थों का इस्तेमाल वो करते रहते हैं और मतलब कर सकते हैं और उसमें वो इंडल्ज हो सकते हैं। 5, बच्चों को डोमिनेट करना, बच्चों के ऊपर हावी हो जाना, ये करना गलत है। बच्चों के ऊपर यदि हावी हो गए, डोमिनेट हो गए, मैं बोलता हूँ, उसके ऊपर प्रेशर डालना, मैं बोलता हूँ इसलिए करो, तेरे को समझता नहीं है, मतलब इस तरह का डोमिनेशन और प्रेशर डालने के बजाय यदि बच्चों को अपना दोस्त बनाते तो वो अपने साथ में बड़े हो जाएंगे, मतलब वो ग्रो हो जाएंगे उसमें। तो डोमिनेशन में बच्चा छोटा हो जाता है, प्रेशर आता है, टेंशन आता है और उसकी खुद की स्वप्रतिमा भी बहुत कम हो जाती है। 6, बच्चों की राय नहीं लेना कोई बात के ऊपर, मतलब जब उनकी अपने बात उनके ऊपर थोपना, बच्चों की राय लेने का नहीं, उनको पूछने का नहीं, मैं बोलता हूँ ऐसा कर ऐसा किया, तो फिर उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनका जो ओपिनियन है वो अब कभी बाहर आता नहीं, उनकी जो इच्छा है वो मर जाती है और फिर उनकी ग्रोथ होती नहीं है। तो बच्चों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की हम राय जब लेते हैं कि तुमको क्या लगता है किस तरह का करना चाहिए, आपको, आप किस तरह से करोगे, ऐसा बच्चों की पूछेंगे तो वो भी डेवलप हो जाएंगे, बच्चों के ऊपर अपनी राय थोपने का नहीं है। 7, बच्चों को, बच्चों बार 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 क्यों 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 पूछते रहते हैं, वाई वाई वाई, ऐसा क्यों मम्मा, ये ऐसा क्यों पापा, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को वो टालते जाते हैं, नहीं चुप चुप बैठ, रहे को नहीं मालूम, बड़ा हो जाएगा समझ में आएगा, मतलब तो ऐसा हम बोलते रहे। तो बच्चों के क्यों का जवाब देना, उनको चुप नहीं बिठाना, ताकि उनकी क्यूरियसिटी जो है, क्यूरियस होना, वो बढ़ेंगी और क्यूरियसिटी बढ़ेंगी उनकी, वहाँ से क्रिएटिविटी बढ़ेंगी, नॉलेज उनको अच्छा आते जाएगा। जब हम उनको चुप बिठाते हैं तो फिर वहीं वो दब जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं है। नंबर
नंबर आठ, बच्चों का कंपैरिजन करना, बाजू वाले बच्चों के साथ में, स्कूल वाले बच्चों के साथ में, बाकी बच्चे अपने जो फ्लैट सिस्टम के बच्चे उनके साथ में कंपैरिजन करना कि वो देख कितना अच्छा है, उसको 90% मार्क मिले, तेरे को 88% मार्क मिले, तेरे को ये नहीं आता वो देखो, ऐसा कंपैरिजन करने से उनकी जो सेल्फ इमेज है वो कम हो जाती, मलिन हो जाती है। तो नेवर नेवर एवर कंपेयर, किसी को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर ही करना है बच्चे को तो उसका जो पिछले वाला परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करो, पिछली जो मार्क लिस्ट है वहाँ से उसको कंपेयर करने का है। फिर नाइन, कुछ पेरेंट्स जो है ना वो इंस्ट्रक्शन पेरेंट रहते हैं, मतलब वो इंस्ट्रक्ट करते रहते बार 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 बच्चों को, तो इंस्ट्रक्शन नहीं करना, जब बच्चा पूछने भी आता है कुछ तो उसको इंस्ट्रक्ट कुछ भी नहीं करने का, मतलब तू देख क्या करने का है, मैं इंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा और तू डेवलप हो जा। तो वो जब आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, मतलब जैसा अभी पीछे लग लग के यहाँ बैठ उधर बैठ, ऐसा इस तरह का खाना खा ले, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा इंस्ट्रक्ट करना बार 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 बार, थोड़ा सामने आके बैठ, जरा सीधा बैठ, ऐसा बार बार इंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनको बहुत पीछे लगे जैसा हो जाता है और फिर वो मानना चालू, मतलब वो मानना बंद कर देते हैं और फिर वो बंद करते फिर वो मतलब रिबेल हो जाते हो। लास्ट दस, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना, बच्चों के सामने हम जब झूठ बोलते हैं बच्चे जल्दी सीख जाते हैं झूठ बोलना, हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हम अच्छे के लिए झूठ बोल रहे हैं ना, मगर बच्चे पिकअप कर लेते हैं। ऐसा बोला जाता है कि योर एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो बच्चों के सामने कभी झूठ बोलने का नहीं है। झूठ यदि आप बोलते हैं और ऐसा लगा आपको कि हमने झूठ बोल दिया है, वो क्लैरिफाई कर लेना है, बच्चों को बता देना है कि वो झूठ बोला था मैंने, ये ठीक नहीं था, ये अच्छा नहीं है और मैं कभी अभी इसके बाद में झूठ बोलूँगा नहीं, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, वो इमिटेट करते हैं, बच्चों के सामने कभी झूठ बोलने का नहीं है। तो बच्चे के सामने यदि ऑनेस्टी से यदि व्यवहार किया तो बच्चे ट्रस्ट करते हैं माता पिता के ऊपर, उनको मालूम है कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं तो उनका माँ बाप के ऊपर का ट्रस्ट निकल जाता है, और जब ट्रस्ट निकल जाता है तो वो कहना मानते नहीं माँ बाप का, उनको मालूम है कि झूठे हैं, इनके बोलने में दम नहीं है तो फिर मानते नहीं, फिर माँ बाप को लगता है कि मेरा कहना मानता क्यों नहीं है। जब आप आपका कहना मानते नहीं है, जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, जब आप आपके शब्दों की कीमत कम कर देते हैं, बच्चे भी आपके शब्द की कीमत कम कर देते हैं, तो बच्चों के सामने कभी झूठ बोलने का नहीं। तो ये आपने 10 एटम जो है, अभी मैंने 10 पॉइंट्स, 10 सूत्र मैंने जो बोले इसका पालन किया तो बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम होंगे, बहुत कम होंगे, वहाँ से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से बच्चे बच जाएंगे, आपके बच्चे अच्छे ग्रो होंगे और अच्छे नागरिक बन सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हमारा जो हॉस्पिटल है ये हमारा मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, इसका ये हमारा मिशन है। लोग हमारे यहाँ पेशेंट को लेके आते, ऑनलाइन काउंसलिंग करते, हमारा कोचिंग ऑनलाइन लेते, सेमिनार्स हमारे करते रहते हैं और उससे लोग अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर शेयर करोगे, थैंक यू।